मैं कहूंगा जो सरप्राइज है बहुत बड़ा सच्ची में फिजिकली जिंदगी के लिए। इंडियन ऑडियंस जो है वो दिल थाम के बैठे रहती थी और वेट किया करती थी। अच्छा इधर से कोई है जो मुझे बताएगा किस टाइम पे आता था, किसी को याद है कैसा? हाँ किस टाइम पे आता? मैं उधर आता हूँ सर आपके पास, चलो आगे इधर बताओ किस टाइम पे आता था। हाँ पहले अच्छा इससे भी ये टोपी वाले भाई से पूछता हूँ। 8:30 बजे भाई, अभी 5:30 बोल रहा था, टोपी पहना रहा सबको। चलो और आप क्या गैस बताते हैं? 9:30। 9:30 और आप क्या कहते हैं? शाम के टाइम। मैम आपके पास आता हूँ। हाँ बताओ कितने बजे आता था कसौटी जिंदगी के, किस टाइम? 9 बजे रात को। 9 बजे रात को। और कोई है जो गैस लगाना चाहे या जिसको ध्यान हो कसौटी जिंदगी? तो हाँ ठीक है, आपने कोमोलिका का नाम ले लिया, कई लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई होगी। अच्छा कोमोलिका निक का आता हूँ इसके पास, आता हूँ। हाँ नया वाला हरियाली छाई हुई है कोमोलिका नाम सुन के इनके ऊपर। अच्छा आपने देखा कभी कसौटी जिंदगी की? मालूम ही नहीं। लो भाई ऐसे ही इसको बेचारे को फंसा रहे हो, कोई बात नहीं अब 25 से देख लेना। और कौन कितने, अच्छा ये मुझे बताओ कौन 5 से 10 साल के बीच में था जब कसौटी जिंदगी की आती थी, याद है किसी को? कोई है उतना छोटा जो देखा करता था? क्योंकि जो मम्मी पापा देखे, जो बड़े भाई बहन देखे, वो छोटे भाई बहन को देखना ही पड़ता है, ये भी है। तख्तानी एवरीबॉडी, मेक सम नॉइज़ पीपल फॉर ऐशा देओल तख्तानी एंड भरत तख्तानी। हाय वेलकम पीपल, मेक सम नॉइज़। सो वेलकम ऐशा एंड भरत, हाय। So, एक बार इस प्यारे से कपल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, थोड़ा शोर मचा दीजिए एवरीबॉडी, लेट मी हियर इट लाउड फॉर ऐशा एंड भरत। ओके ऐशा, आप लोगों के आपकी बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी टाइम हुआ है मैरिज में हम लोग देखते हैं आपका, मैंने वीडियो भी देखा था अभी रिसेंटली जो इस इवेंट के लिए आपने डाला था, तो बहुत ही अफेक्शन लग रहा था आपका, तो मैं थोड़ा सा ब्लश सा कर रहा हूँ। अच्छा आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, लग रहे अच्छे कि नहीं? तो इसी तरह से मैं आप लोगों से ये एक बात पूछना चाहूंगा, ऐशा यू टेल मी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कैन बी बिहाइंड दिस इमेंस पर्दा, व्हाट इज इन स्टॉक? 4+ क्या प्यार की एक शुरुआत करने वाला है, की खुराफात करने वाला है, क्या ऐसा बड़ा ऑडियंसेस के लिए 4+ लाने वाला है, आपको क्या लगता है बताइए? वेल हाय एवरीवन, सो गुड टू बी हियर ऑन कार्टर रोड विद ऑल माय मुंबईकर्स। Well, I am also eagerly waiting. So is Bharat. We really want to see the sculpture of love and we are happy to unveil it because we also symbolize love and I think it's going to be something that all the couples who come here for your evening walks or for your bike rides will definitely come and click pictures with this beautiful sculpture which is the symbol of love. Thank you, Aisha. And indeed, you people are already, you have already become the symbol of love out here. Itne pyar se aap log aaye ho. And what a lovely answer. And Aisha, main aapse seedhe point pe aata hoon. I would request that with my audience, we will do a countdown. Hum log countdown karenge. And Aisha and Bharat, please step this side. I will come there. And yes, please, idhar aa jaiye. Main seedhe unveil kar de hum log. Yes or no? सो कार्टर रोड वालों, मुंबई वालों, लेट मी टेल यू कि स्टार प्लस बहुत ही लिमिटेड सिटीज में ये चीज कर रहा है, क्योंकि मुंबई इज द लाइफ लाइन, मुंबई इज द प्लेस वेयर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द एनर्जी वाइटलाइजर्स, तो मुंबई में तो हमें आना ही था, ये करना ही था। सो 10 से हम लोग काउंट डाउन शुरू करेंगे एंड ऐशा एंड भरत आर गोइंग टू अनवेल दिस इमेंस पर्दा, दिस इमेंस थिंग दैट हाइड्स बिहाइंड दिस विच इज icon of love, the icon of love. So are you people ready for the countdown? So 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So people put your hands together for this immense icon of love.
after this huge unveiling ceremony by Isha and Bharat, I would like to. हाँ हमारे मीडिया वाले दोस्त अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच मीडिया पीपल फॉर कमिंग हेयर एंड जस्ट गिव मी अ हैंड. आई विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ओनली देन. अच्छा आप सब लोग देख सकते हैं ये प्यार की प्रतिमा आइकॉन ऑफ लव. आपको मजा आया? अच्छा लगा कि नहीं लगा? मेक सम नॉइस पीपल. और प्यार को क्या किया है मुझे, हम लोगों को लग रहा था बाहर से कि पर्दा के अंदर पर्दा है, लेकिन प्यार को पर्दे में रहने दिया तभी अच्छा लगता है. ऐसा ही है, प्यार पर्सनल चीज है तो उसे निजी बनाया गया है. सो ईशा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इमेंस आइकॉन ऑफ लव, स्टैच्यू ऑफ लव? वाओ, यू नो आई एम स्पीचलेस एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड आई थिंक दिस आर्टिस्ट फ्रॉम कलकत्ता हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड आई थिंक दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर selfie points in Bombay. Ji. So people, let me tell you ki aap logon ke paas kafi time tak ye rahega, lekin abhi Esha se main ek request karne ja raha hu, bahut special si. Esha, itni romantic si evening hai, itna romantic sa couple hai, to kya aap chahte hain main Esha se ek request karu, karu ki na karu? Aaiye to kuch ka kare. To Esha, main aapse ek request karta hu. क्या रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए आप कोई भी चीज कर दीजिए. एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू डेडिकेट टू फॉर योर लव ऑफ लाइफ भरत. चलिए नाउ आई लीव इट अप टू यू. वेल आई थिंक यू नो टू डिक्लेयर माय लव टू भरत अगेन ऑन कार्टर रोड इन फ्रंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टैचू फ्रॉम कसौटी is a privilege and I think I'll sing mine and Bharat's favorite song. Main itna acha gaati nahi hu lekin koshish karungi. Aap sab saath mein bhi gaiye. Tumse milke aisa laga, tumse milke अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है. साथ तेरे रहेंगे सदा, हमदम ये वादा रहा, अब हम ना होंगे. Thank you. Thank you so much, Esha. Thank you so very much, Esha and Bharat for coming here. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं Esha and Bharat के लिए और उनके प्यार के लिए जो कसौटी जिंदगी के लिए यहाँ चल के आया है. क्योंकि आप सब समझ लीजिए, इनका प्यार जब कसौटी जिंदगी के लिए यहाँ चल के आया है दोनों का, एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग, भरत वॉज ब्लशिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सी दैट लिटिल फेलो इज ऑल्सो, देखो प्यार का रंग कहते हैं लाल होता है, मैं भी लाल लाल हो गया बिल्कुल. हाँ सब लोग लाल हो गए गाल. थैंक यू सो टू प्लीज टेक द बाइट्स. थैंक यू सो सो वेरी मच. जी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हम इस सीरियल के फैंस रह चुके हैं, हमने काफ़ी देखा है इस सीरियल को, भरत और मैंने, हमारे फैमिली मेंबर्स ने. तो आज जाके यू नो सिंबल ऑफ लव का स्टैचू जो ह्यूज एंड इट्स ब्यूटीफुल, और कार्टर रोड इज़ द परफेक्ट स्पॉट आई थिंक इन बॉम्बे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कपल्स बाइक्स पे आते हैं या चल के आते हैं या गाड़ी में घूमने आते हैं. हम भी आते थे, मैं भी बांद्रा में रह चुका हूँ ऑल माय लाइफ. तो यहाँ पर देखा है कि जो यंग लाइफ, जो कपल लाइफ है, एंड स्पेशली अनवीलिंग जो पोस्ट जो किया है स्टैचू का, ये एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा आगे यंग जनरेशन के लिए. यहाँ पर सेल्फी पॉइंट शायद बन जाए और अच्छा फीलिंग है यहाँ पर आने के लिए. सो आप एक मकसद से आए तो यहाँ पे कुछ यादें आपकी ताज़ा हो रही? हमारी यादें, हम लोग भी यहाँ पर ड्राइव करके यही स्पॉट पर ड्राइव करते थे कार्ट रोड बैंड स्टैंड में, एंड इट्स वेरी इट्स हमारे भी ताज़े, बहुत मेमरीज भी बहुत ताज़े हो रहे हैं. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्डेड, क्योंकि एकता इज अ बंडल ऑफ टैलेंट एंड शी ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग न्यू, और यू नो उसे रीबूट कर रहे हैं आज के तारीख, आज का जेनरेशन को ध्यान में रखते हुए. तो आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी ऑन 25 सितंबर के
क्या होता है शो में, हमारे लिए भी सरप्राइज है, हम लोग भी देखेंगे एंड ईगरली वेटिंग टू सी इट। न्यू कास्ट एंड न्यू कास्ट जो देखी होगी, किस तरह इंप्रेस हुई कास्ट से आप? हमारे लिए सरप्राइज है, वेटिंग टू सी इट ऑन 25th ऑफ सितंबर, दैट्स ऑल आई कैन। ये प्यार तो बहुत मिल रहा है क्योंकि एक सीरियल जो इतना पॉपुलर बन चुका है उसका इतना बड़ा स्टैचू लगा है, दैट इटसेल्फ इज प्रूफ दैट आवर कंट्री लव्स यू नो सीरियल्स। और जी मैंने अभी कुछ साल पहले रोडीज जज किया था, मैं कुछ करूँगी जो मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ क्योंकि जैसे कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ तो समथिंग विद डांस, इफ आई गेट टू जज देन व्हाई नॉट। आई इनको फ्री हैंडेड, जहाँ पर इनका कंफर्ट लेवल है आई एम कंफर्टेबल, बिकॉज इनको मालूम है कि ये हमारी फैमिली को देख के वो रोल चूज करेंगे एंड वी आर हम लोग खुशी, हम लोग की खुशी इसमें है कि जहाँ पर उनकी खुशी है। स्कूल में वी वर 13 आई थिंक, और स्कूल के टाइम में मिले थे, चाइल्डहुड क्रश इन्फैचुएशन, फिर थोड़ा बहुत कॉलेज में, और फिर अपने करियर्स टुक ओवर एंड देन वी गॉट सेपरेटेड फॉर अ वाइल, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी फाउंड ईच अदर अगेन एंड टुडे इज यू नो द फादर ऑफ माय चाइल्ड एंड माय हस्बैंड, सो इट्स ब्यूटीफुल। जी मैं बहुत खुश हूँ कि यू नो फिल्म को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और पापा ने यू नो इतना फन कैरेक्टर प्ले किया है, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई विश आवर फैमिली ऑल द सक्सेस ऑलवेज। आपको किस तरह लगा? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी, मेरे को बॉबी का रोल अच्छा बहुत अच्छा लगा एंड सनी भैया का भी रोल अच्छा लगा, सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड आई एम हैप्पी सब लोगों को अच्छा लगा है, रिव्यूज अच्छे आए हैं मूवी के एंड द मूवी इज गुड फॉर मी, आई एंजॉय द मूवी, अच्छा लगा मेरे को मूवी। जी अभी मेरा एक शॉर्ट फिल्म किया है केक वॉक जो बहुत ही जल्द रिलीज होगा और बहुत स्वीट स्टोरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है उस स्टोरी में, इसीलिए जाके मैंने सोचा कि इस वक्त पे इस किस्म का स्टोरी करना मुझे सूट करेगा अभी। और साइड में मेरा डांस बैले रामायण चालू है जहाँ पे मैं सीता का रोल प्ले कर रही हूँ, तो 28th ऑफ सितंबर आई एम परफॉर्मिंग इन बॉम्बे, प्लीज़ कम एंड वॉच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।